हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल सिमला किचन में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने वाली हूँ गर्मियों से बचने के लिए एकदम लाजवाब और टेस्टी ड्रिंक, जो कि ये लू से बचा जा सकता है इससे, और ये गर्मी के लिए एकदम रामबाण है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम पपाया शेक बनाएंगे। इसके लिए देखिए, मैंने पपाया को अच्छे से छील के अच्छे से धो के कट कर लिया है, और अब हम इसमें पपाया डालेंगे। और साथ में थोड़ा सा दूध और चीनी मैंने पीस कर लिया है। इसका यूज आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इसे हम पीस लेंगे। ये मैंने मिक्सी में पीस लिया, 2 से 3 मिनट लगा मुझे पीसने में। ये देखिए तैयार हो गया। अब हम इसे ग्लास में सर्व कर लेंगे। और इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। अब हम दूसरा तैयार करेंगे। अब हम वाटरमेलन का जूस बनाएंगे। इसको अलग तरीके से बनाएंगे फ्रेंड्स। ये मैंने वाटरमेलन अच्छे से धोकर और इस तरह से इसके बीज निकाल के साफ कर लिया है, और अब मैं इसे मिक्सर जार में डाल रही हूँ। थोड़े से बचा लिया है गार्निशिंग के लिए। और इसमें मैं पुदीने का पेस्ट बना लिया है। इसमें पुदीने का पेस्ट डाल रही हूँ। ये गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा है और हेल्दी है। कितना भी तेज का गर्मी किसी को लगा हो, इसे तुरंत राहत मिलती है। अब इसे हम पीस लेंगे। ये देखिए मैंने पीस लिया है। अब इसे भी मैं ग्लास में सर्व कर लूंगी। और इसे पुदीने पत्ते से गार्निश कर लेंगे। अब हम पुदीने का जूस बनाएंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है। इसमें 1 गिलास पानी लिए हैं, और जो मैंने पुदीने का पेस्ट बना के रखा था फ्रेंड्स, बस इसे इसमें घोल लेना है। ये गर्मियों में अगर किसी का पेट गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा पेन कर रहा हो, या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ गया हो गर्मी के कारण, तो इजिली आप इसे बनाकर 1 गिलास पी लीजिएगा, तो आपका एकदम तुरंत, मतलब आपको तुरंत इसका बेनिफिट मिलेगा। और इसमें हम चीनी डाल लेंगे। तीन छोटे चम्मच मैंने चीनी लिया है। ये हमारा पुदीने का जूस बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे ये तीनों जूस जो है आप घर पर एक बार जरूर ट्राई करें, और जब भी ट्राई करें हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।